प्यारे बच्चों नमस्कार। हरियाणा सीटी को लेकर एक सुबह सुबह खबर ये है अखबार में, क्या ये कि सीटी दिसंबर में ही होगा। और अब इन्होंने क्या कर दिया कि इसको 3 साल के लिए मान्य कर दिया है, जो आपके स्कोर कार्ड होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 2023 में जिनका रिजल्ट आया था वो 2023 वाले 2026 तक वैलिड होंगे, ठीक है। तो उनको देना एक तरह से ज़रूरी है या नहीं वो मैं बता देता हूँ। उनको देना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि इन्होंने कहा है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे 2023 में जो सीटी हुआ उसमें आपके 70 नंबर आए और 24 वाले में आपके मान लो 77 आ जाते हैं तो 77 मान्य होंगे, ठीक है ना। और अगर इसमें घट के 65 आ गए तो पिछले वाला मान्य होगा, स्कोर कार्ड वो वाला मान्य होगा। अच्छा, एग्ज़ाम इन्होंने हिम्मत सिंह जी ने कह दिया है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। मीटिंग इसकी HSSC की होनी है अभी इसको लेकर, और DC और जो SP है उनके साथ भी आयोग मीटिंग करेगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे कराया जाए, कहाँ कहाँ पे सेंटर रखे जाएँ स्कूलों वगैरह के। और इसके रिगार्डिंग जो अलग अलग विभाग है उसमें HSSC ने बोला है कि वो लेटर लिखेंगे और सभी विभागों से जो खाली पद है उसका ब्यौरा मांगेंगे, ताकि CET होने के बाद वैकेंसी भी निकाली जाए तुरंत। पर दिक्कत इसमें यह आएगी कि अभी ज्वाइनिंग चल रही है तो अभी अगले कुछ दिनों में तो डिपार्टमेंट खाली पद नहीं बता पाएंगे। अच्छा, CET जो है वो एक दिन होगा या ज़्यादा होगा ये निर्णय सरकार पे है। HSSC ने कहा है जैसा सरकार कहेगी वैसे करवा लेंगे, और सरकार कहे एक दिन में कराओ एक दिन में करा लेंगे, ज़्यादा दिन में कराना है तो उस हिसाब से करवा लिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो भाग लेने वाले साथी होंगे वो 15 से 20 लाख के अराउंड में रहेंगे जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। एजेंसी का चयन किया जाना है, पिछली बार NTA से करवाया गया था तो इस बार एजेंसी का चयन भी होना है। ये कई काम इनको नवंबर में पूरे करने हैं ताकि दिसंबर में CET हो जाए। और वैलिडिटी बताई दिया, 3 वर्ष की वैलिडिटी रहेगी, और जिस CET में आपका स्कोर ज़्यादा होगा वो माना जाएगा। और आपको पता है बेटा कि 4 गुना तो ख़त्म हो जाएगा मान लिया, पर चाहे 7 गुना करें चाहे 10 गुना करें, उसमें ऊपर वाले ही पेपर दे पाएंगे CET मेन का या वैकेंसी का, तो उसमें आपके ज़्यादा नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि CET पास वाले तो बहुत सारे बच्चे रह भी गए थे पिछली बार। तो इसलिए CET में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको हर साल CET देना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। और एक रेलगाड़ी बैच की बेटा फ्री क्लासेस चल रही है YouTube के ऊपर, आप नोटबुक अकेडमी पर देख सकते हो, और ऐप पे एक फ्री कोर्स का फोल्डर है उसमें ये बैच भी मिल जाएगा आपको एज इट इज़ PDF समेत। ये रतन बैच दिवाली तक 299 में है बेटा। इसकी क्लासेस डेमो कल से चल पड़ी हैं, आज भी इसकी डेमो होगी और फिर आपकी ऐप में क्लास चल पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी कोर्स को आपको देखना हो तो नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा।